हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट एजी 404 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों पर शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों का सब्जेक्ट है समस्याग्रस्त मृदा एवं उसका प्रबंधन। ठीक है, समस्याग्रस्त मृदा क्या होती है, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही पढ़ना है। जैसे समस्याग्रस्त मृदा मतलब मान लीजिए कोई मृदा है वह अम्लीय है, तो उसको कैसे हम लोग प्रबंध करके क्या करेंगे, उपजाऊ बनाएंगे, कृषि युक्त बनाए, कृषि योग्य बनाएंगे। ठीक है, वही सब होता है प्रबंध मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लमेटिक सॉइल, समस्याग्रस्त मृदा। तो समस्याग्रस्त मृदा क्या होती है, तो आप लोग मैं बता दूं कि एकदम आसान आसान समझिएगा। समस्याग्रस्त मृदा वह मृदा है जिसमें बिना हम कोई सुधार किए खेती नहीं कर सकते। ठीक है, समस्याग्रस्त मृदा वह मृदा है जिसमें बिना हम कोई सुधार किए खेती नहीं कर सकते। जैसे समस्याग्रस्त मृदा मैंने आप लोगों को बताया कि अम्लीय है, तो अम्लीय के उपचार के लिए क्या डाला जाता है, क्षारीय है, क्षारीय के लिए जिप्सम डाला जाएगा, ऐसे अम्लीय के लिए क्या डाला जाएगा, चूना डाला जाएगा। तो यही सब इसमें क्या हम लोग करें, इसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं ना। तो बिना सुधार के जो जिस भूमि पे खेती नहीं की जा सकती, उस भूमि को वेस्ट सॉरी प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहते हैं, समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं समस्याग्रस्त मृदा क्या होती है। ठीक है, तो समस्याग्रस्त मृदा वह मृदा जिनमें बिना सुधार किए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कृषि नहीं की जा सकती, उस मृदा को समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। ठीक है, वे मृदा जिनमें बिना सुधार किए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कृषि नहीं की जा सकती, उन मृदाओं को समस्याग्रस्त मृदाएं कहते हैं। ठीक है, भारत में सामान्य कृषि योग्य भूमि का लगभग 50% भाग जो है वह समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर में आता है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग, 50% भाग, मतलब आधा समस्याग्रस्त मृदा है और आधा खेती युक्त मृदा है। ठीक है, तो समस्याग्रस्त मृदा क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि वह मृदा जिनमें बिना सुधार किए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कृषि नहीं की जा सकती, उन मृदाओं को समस्याग्रस्त मृदाएं कहते हैं। हमारे भारत देश में समस्त कृषि योग्य भूमि का लगभग 50% भाग समस्याग्रस्त मृदाओं के अंडर में आता है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मृदा गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, मृदा गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य क्या है। तो मृदा गुणवत्ता की बात करें तो मृदा गुणवत्ता क्या है, तो सॉयल क्वालिटी को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सॉयल में विशिष्ट प्रकार के लक्षण। ठीक है, जैसे सॉयल में विशिष्ट प्रकार के फिटनेस, अच्छी उत्पादन क्षमता, प्लांट प्रोडक्शन, वाटर एयर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देना, ह्यूमन हेल्थ का समर्थन करना, यही सब क्या कहलाता है, ये सब सॉयल क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, आसान भाषा में समझाओ तो सॉयल में प्लांट प्रोडक्शन करने की क्षमता मतलब पादप को उगाने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को रोक कर रखने की क्षमता, तथा अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो तो उस और जो ह्यूमन हेल्थ को सहारा देता हो, तो उसी को बोला जाता है सॉयल क्वालिटी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो सॉयल क्वालिटी को क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि वह मृदा जिसमें प्लांट प्रोडक्शन करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो, जो ह्यूमन हेल्थ का सपोर्ट करता हो, उसी को सॉइल क्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, या तो इसमें जो परिभाषा मैंने लिखा उसको देख लेते हैं। सॉइल क्वालिटी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि विशिष्ट प्रकार के सॉइल का फिटनेस, अच्छी उत्पादन क्षमता, प्लांट प्रोडक्शन, वाटर एयर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देना, तथा ह्यूमन हेल्थ का सपोर्ट करना ही सॉइल क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, सॉइल क्वालिटी का दो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया, एक और बताता हूँ। मृदा की जो गुणवत्ता है, एक विशिष्ट प्रकार की मृदा की कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, मृदा गुणवत्ता एक विशिष्ट प्रकार की मृदा की कार्य करने की क्षमता है जो प्राकृतिक अथवा प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र सीमाओं के अंतर्गत पादप और पशु उत्पादन को बनाए रखने, जल और वायु गुणवत्ता को बनाए रखने अथवा बढ़ाने, और मानव स्वास्थ्य और आवास को सहारा प्रदान करती है, उसी को सॉयल क्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, मृदा गुणवत्ता उन सभी कारकों को शामिल करती है जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जिन्हें पोषक तत्व उपलब्धता, मृदा की संरचना, पीएच, जैविक कारक,
मृदा जनित पादप रोग और पादप कीटों की उपस्थिति भी सम्मिलित होती है किसमें, सॉयल क्वालिटी में। ठीक है, मृदा तो सॉयल क्वालिटी हम लोगों ने देखा दो डेफिनेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन सबसे आसान बताया कि वह मृदा जिसमें प्लांट प्रोडक्शन करने की क्षमता हो, मतलब जिसमें पौधे उगाने की क्षमता हो, ठीक है, जो पानी को अधिक समय तक रोक के रख सके, जिसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व तो पाए जाते हो, और जो मनुष्य के स्वास्थ्य को क्या करता हो, सहारा देता हो, सपोर्ट करता हो, समर्थन देता हो, उसी को बोला जाता है सॉयल क्वालिटी। तो वह मृदा जो प्लांट वह मृदा जिसमें प्लांट प्रोडक्शन करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तथा अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो, जो ह्यूमन हेल्थ को सपोर्ट करता हो, उसी को सॉयल क्वालिटी बोला जाता है। या एक शब्द में कहें तो मृदा की गुणवत्ता से तात्पर्य यह है कि हम जो करना चाहते हैं मृदा से, वह मृदा कितनी अच्छी तरीके से उसे करती है। ठीक है, जैसे हम मृदा मान लीजिए अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वह मृदा हमें कितनी अच्छी तरीके से घर को बनाने देती है। हम कुछ बुआई करना चाहते हैं तो उसे मृदा कितना अपना सपोर्ट देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने गेहूँ की बुआई की, यदि मृदा में गुणवत्ता नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा पहली बात तो जर्मिनेशन भी नहीं होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, उसमें फल नहीं लगेंगे। इस वजह से यदि फल लगेंगे सब कुछ होगा तो उसी को मृदा गुणवत्ता हो जाती है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन बताया कि वह मृदा जिसमें प्लांट प्रोडक्शन करने की क्षमता, जिसमें पादप को उगाने की क्षमता हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, पानी को अधिक समय तक रोकने की क्षमता हो, अधिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो अच्छी मात्रा वाले, जो ह्यूमन हेल्थ का सपोर्ट करते हो, तो उसी को सॉयल क्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सॉयल क्वालिटी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे सॉयल हेल्थ क्या होता है, मृदा स्वास्थ्य क्या होता है। तो मृदा स्वास्थ्य जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मृदा स्वास्थ्य और मृदा गुणवत्ता जरूरी इसमें से एक एग्जाम में आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो सॉयल हेल्थ क्या है, तो भूमि की वह निरंतर क्षमता जो पौधे की लिविंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है, साथ ही प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है, एयर क्वालिटी वाटर क्वालिटी को बढ़ावा देता है, सॉयल हेल्थ कहलाता है। ठीक है, क्या बोला है कि भूमि की वह निरंतर क्षमता जो पौधे की लिविंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है, लिविंग सिस्टम के रूप में मतलब जीवित प्रणाली के रूप में, ठीक है, लिविंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है, साथ ही प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है और एयर क्वालिटी वाटर क्वालिटी का सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है, उसी को सॉयल हेल्थ बोला जाता है। भूमि की वह निरंतर क्षमता जो महत्वपूर्ण जीवित प्रणाली के रूप में कार्य करती है, साथ ही इकोसिस्टम लैंड यूज सीमा तथा जैविक उत्पादकता को बनाए रखती है, उसी को सॉयल हेल्थ बोला जाता है। या कह सकते हैं एयर क्वालिटी तथा वाटर क्वालिटी को बढ़ावा देती है और मानव हेल्थ का प्रमोट करती है, उसी को बोला जाता है सॉयल हेल्थ। मृदा स्वास्थ्य एक क्या अवस्था है जो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को अपने विस्तार में पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाता है। ठीक है, तो इतना सब मैंने आप लोगों को बताया सॉयल हेल्थ। तो मृदा का स्वास्थ्य क्या है, एक अवस्था है जो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को अपने विस्तार से पर्यावरण के लिए क्या करता है, अनुकूल बनाता है। या मृदा का स्वास्थ्य मृदा की स्थिति अथवा अवस्था का विवरण है और मृदा की गुणवत्ता विशेषताओं सहित कई कारकों को शामिल करता है जो मृदा के जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक साथ आते हैं। तो दोस्तों यह था सॉयल हेल्थ। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य में मृदा गुणवत्ता के कारक होते हैं, मृदा स्वास्थ्य जो होता है, सॉयल हेल्थ जो होता है, उसमें सॉयल क्वालिटी के कारक जो जैविक होते हैं, जैसे मृदा जनित पादप रोग एवं पादप कीटों की उपस्थिति तथा जीव जो पादप रोगों एवं पादप कीटों का समन कर सकते हैं, वह सब सम्मिलित होते हैं। इसीलिए मृदा की गुणवत्ता में सभी कारक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मृदा की गुणवत्ता में सभी कारक सम्मिलित होते हैं, जबकि मृदा स्वास्थ्य में सिर्फ एक ही जैविक कारक सम्मिलित होता है। अतः मृदा का स्वास्थ्य मृदा की गुणवत्ता का एक भाग होता है। ठीक है, सॉयल हेल्थ जो है वह सॉयल क्वालिटी का क्या है, एक भाग है। ठीक है, यदि सॉयल का जो दोस्तों हेल्थ सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसमें हम प्लांट ही ग्रोथ नहीं करेगा, प्लांट का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सॉयल हेल्थ है वह सॉयल क्वालिटी का ही एक भाग है। तो सॉयल क्वालिटी की डेफिनेशन एक बार फिर समझिएगा कि भूमि की वह निरंतर क्षमता जो महत्वपूर्ण जीवन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जीवन प्रणाली के रूप में कार्य करती है, साथ ही इकोसिस्टम लैंड यूज सीमा तथा जैविक उत्पादकता को बनाए रखती है, उसी को बोला जाता है सॉयल हेल्थ। तो समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है लवणीय मृदाओं की विशेषता बताइए। लवणीय मृदा जो होती है उसका विशेषता बताना है कि क्या विशेषता होती है लवणीय मृदा के अंदर।
तो लवणी मृदा जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वह 7 से 8.5 के बीच में होता है, ठीक है, 8.5 के बीच में होता है 7 से। दूसरा पॉइंट है, दूसरा विशेषता है कि लवणी भूमि में सोडियम लवण की प्रधानता होती है, लवणी भूमि में सोडियम लवण की प्रधानता होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, लवणीय मिट्टी अत्यधिक सिंचाई एवं उर्वरकों, पशु अपशिष्टों के उपयोग आदि जैसे विभिन्न कारणों से मृदा की लवणता बढ़ जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लवणी मिट्टी अत्यधिक सिंचाई एवं उर्वरकों, पशु अपशिष्टों के उपयोग आदि जैसे विभिन्न कारणों से बढ़ जाती है, ठीक है। मृदा की जो लवणता होती है वह क्या बोल रहा है कि वह अत्यधिक सिंचाई से और उर्वरक से, खाद से, पशु के अपशिष्ट के उपयोग से बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, मृदा की लवणता पौधे की वृद्धि के अनुकूल नहीं होता है, मृदा की जो लवणता होती है वह पौधे की वृद्धि के अनुकूल नहीं होती है। लवणीय मृदाएं सामान्यतः अनुपजाऊ लेकिन क्षमता में उत्पादक होती हैं, ठीक है। तो यह लवणीय मृदा की विशेषता था कि लवणीय मृदा का जो पीएच मान होता है वह 7 से 8.5 के बीच में होता है, ठीक है। लवणीय भूमि में सोडियम लवण की प्रधानता होती है, मतलब सोडियम लवण ज्यादा पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लवणीय मिट्टी अत्यधिक सिंचाई, उर्वरक के प्रयोग, पशु अपशिष्ट के उपयोग आदि से बढ़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मृदा की लवणता पौधे की वृद्धि के अनुकूल नहीं होती है, मृदा लवणता पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती है। अगला पॉइंट है, लवणीय मृदाएं सामान्यतः अनुपजाऊ लेकिन क्षमता में उत्पादक होती हैं, ठीक है। लवणीय मृदा जो होती है वह अनुपजाऊ होती है लेकिन क्षमता उनकी होती है उत्पादक की। तो यही थी लवणीय मृदा की विशेषता। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो कृषि वानिकी जो कि बार बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो कृषि वानिकी क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के प्रति लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कृषि वानिकी कहा जाता है, ठीक है। तो कृषि वानिकी पूछ रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। तो फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के प्रति या दोनों से लाभ कमाने की, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो फसलों के साथ साथ पेड़ एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी के तकनीक जो होते हैं दोनों को एक साथ मिश्रण करके, दोनों को एक साथ मिलाकर विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मृदा डिग्रेडेशन, मृदा निम्नीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मिलता नहीं है कहीं पे पढ़ने के लिए आसानी से, तो मैं एकदम आसान भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसको गूगल करेंगे फिर भी आप लोगों को बहुत कठिन देगा। तो मृदा निम्नीकरण से तात्पर्य उस भूमि से है जिसमें मृदा यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, और ऐसी मिट्टी वाली भूमि में कृषि कार्य करना बिल्कुल कठिन होता है, ठीक है। मृदा निम्नीकरण मतलब क्या हो जाता है, मृदा कठोर हो जाती है, कम निम्न मतलब मृदा का जब निम्नीकरण हो जाता है तो उस भूमि में उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है उस भूमि की, और ऐसी मिट्टी वाली भूमि में कृषि का कार्य करना बिल्कुल कठिन हो जाता है। तो उसी मृदा को रहता है मृदा निम्नीकरण। ऐसी मृदा जिनमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई हो और जिस मिट्टी में खेती नहीं की जा सकती हो, ऐसी मिट्टी को सॉयल डिग्रेडेशन या मृदा निम्नीकरण बोलते हैं। मृदा निम्नीकरण को मिट्टी की उत्पादक क्षमता की हानि या गिरावट के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो यही मृदा निम्नीकरण या सॉयल डिग्रेडेशन था। चलिए आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से भी बता देते हैं, क्योंकि आज मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था इसकी वजह से। तो अगला क्वेश्चन है कि चूनेदार मृदा क्या होती है, चूनेदार मृदाएं क्या होती हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को चूनेदार मृदा, लवणी मृदा, क्षारी मृदा तीनों एक साथ बताऊंगा, ठीक है। तो पहले चूनेदार मृदा क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो चूनेदार मृदा वह मृदा होती हैं या वे मृदाएं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे चूनेदार मृदा कहते हैं। वह मृदा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, CaCO3। तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसी को चूनेदार मृदा कहते हैं। यह जो चूनेदार मृदा होती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
इस मृदा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। ठीक है, जो चूनेदार मृदा होती है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बुलबुले के रूप में निकलती है। जैसे मैं आप लोगों को रिएक्शन के माध्यम से बता देता हूँ, आप लोग रिएक्शन भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें यही फायदा है कि आप लोग रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाई जाती है चूनेदार मृदाओं में, तो कैल्शियम कार्बोनेट को लिख लेते हैं CaCO3। सॉरी, देखिए फॉर्मेट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है लेकिन मैंने लिखा है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है और यह इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो जब CaCO3+2HCl का क्या करते हैं आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी बुलबुले के रूप में कैसे निकलती है आप लोगों को दिखा देते हैं। निकलेगी नहीं रिएक्शन से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा CaCl2+H2O+CO2। देखिए यहाँ से बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यही बोला जाता है कि वह मृदा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में हो वह चूनेदार मृदा कहलाती है। यह जो चूनेदार मृदा होती है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मृदा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को रिएक्शन के माध्यम से दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बताते हैं। अब लवणी मृदा देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि तीनों साधन बताएंगे, तो अब लवणी मृदा पहले देख लेते हैं। लवणी मृदा क्या होती है, बहुत आसान है। लवणी मृदा और क्षारीय मृदा दोनों एक बार में समझ में आएगा, आप लोग बस देखिएगा। ठीक है, तो लवणी मृदा क्या होती है, तो वह मृदा जिसमें जिनकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा पानी पीने लगा था, कि वह मृदा जिसमें या जिनकी विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 ds, ठीक है, डीएस मीटर इनवर्स से अधिक, ठीक है, वह मृदा जिनकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से ज्यादा हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से क्या हो, कम हो, और पीएच मान 8.5 से कम हो, ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदाएं कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया लवणीय मृदा की विशेषता। तो देखिए वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर यूनिवर्स से अधिक हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से कम हो, और जिसका पीएच मान 8.5 से कम हो, ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदा कहा जाता है। अब क्षारीय मृदा का समझिएगा, यहीं से एकदम समझ में आ जाएगा दोनों। तो वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर यूनिवर्स से अधिक हो, सॉरी 4 ds प्रति मीटर से कम हो, लवड़ी में अधिक रहेगा 4 ds प्रति मीटर यूनिवर्स से और क्षारी में 4 ds प्रति मीटर यूनिवर्स से कम रहेगा। ठीक है, तो वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर यूनिवर्स से कम हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से अधिक हो और पीएच मान 8.5 से अधिक हो, ऐसी मृदाओं को क्षारीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोग को बताया लवणी मृदा और क्षारीय मृदा दोनों में क्या अंतर है। देखिए जो लवणी मृदा है उसमें उसकी जो विद्युत चालकता है 25 डिग्री सेल्सियस पर है वह 4.0 ds प्रति मीटर यूनिवर्स से अधिक है। क्षारीय मृदा में विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4.0 ds प्रति मीटर यूनिवर्स से कम है। ठीक है, लवणी मृदा की जो सोडियम विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत है वह 15% से कम है, लेकिन जो क्षारीय मृदा है इसकी विनिमय योग्य सोडियम 15% से ज्यादा है। लवणी मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है, क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। तो यह था लवणी मृदा और क्षारीय मृदा, दोनों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत पूछता है, वेस्टलैंड, बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है, ठीक है, बंजर भूमि आप लोग देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे गांव वाले। तो बंजर भूमि क्या होती है, तो बंजर भूमि उस भूमि को कहते हैं जहाँ खेती करने लायक मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, बंजर भूमि उस भूमि को कहते हैं जहाँ खेती करने लायक भूमि नहीं होती है। वह भूमि जहाँ लवणों की अधिकता हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, जहाँ लवण की अधिकता होती है उसे बंजर भूमि कहते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 13% बंजर भूमि है। ठीक है, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 13% बंजर भूमि है और पूरे कृषि क्षेत्र का लगभग 32% के लगभग है। ठीक है, अभी ये आंकड़ा
बहुत पुराना है, इस टाइम का तो नहीं पता है, 32% के लगभग था पूरे कृषि क्षेत्र का। ठीक है, तो बंजर भूमि क्या होती है? बंजर भूमि उस भूमि को कहते हैं जहाँ खेती करने लायक मिट्टी नहीं होती है। वह भूमि जहाँ लवणों का अधिकता, उसे बंजर भूमि कहते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 13% भाग जो है वह बंजर भूमि का है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया है। उम्मीद करते हैं हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी आप लोगों के लिए भी 4 से 5 वीडियो आएगा इस विषय का। एग्जाम की गारंटी मैं लेता हूँ, आप लोग यदि जितना मैं बताऊँगा उतना पढ़ लेंगे तो 75% चांस है मेरे क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आने का। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।